हेलो फ्रेंड्स, मैं अमीशा, अमीशा केक एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैरेमल सॉस कैसे बनाते हैं और उसी कैरेमल सॉस का इस्तेमाल करके हम 5-स्टार चॉकलेट बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल बना लेंगे 5-स्टार के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। मैंने यहाँ इस तरह के कप्स आते हैं, 1/3 कप मैंने यहाँ पे शुगर ले ली है। इसे हम इस तरह से फैला लेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इस शुगर को हमें पहले पहले स्पैचुला डालना नहीं है। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। इस तरह से हिला लेना है। अब हमारी शक्कर पिघल रही है। अगर हम पहले पहले कड़छी को या स्पैचुला को अंदर डालेंगे तो सारी शुगर यहाँ पे चिपक जाएगी। सो पहले पहले हमें अंदर स्पैचुला को घुमाना नहीं है। इसी तरह हमें शक्कर को डिजॉल्व होने देना है, पिघलने देना है। अब हम इस तरह से इसे गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। ये पिघली हुई शक्कर जल्दी नहीं चाहिए। अब देख सकते हैं हमारी शक्कर पिघल गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर बटर डालेंगे। आप कोई भी बटर ले सकते हैं, सॉल्टेड भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्सअप करना है। अब हम यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूं मैं। यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, अमूल की। थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर लूंगी, गैस बंद कर लूंगी और थोड़ी देर इसी तरह स्टर करते रहेंगे
इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद कैरेमल और भी गाढ़ा बनेगा। अब हम चॉकलेट को डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड ले लिया है 2M का। जहां पे केक का सामान मिलता है यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। आप मॉडे का भी ले सकते हैं। कई सारी कंपनियां है जिसके ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स चॉकलेट को पीसेस में कट कर लिया है। इस बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने रखा है। अब हम डबल बॉइलिंग मेथड से इसे मेल्ट कर लेंगे। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। मार्केट में इस तरह के मोल्ड मिलते हैं। मोल्ड को अच्छे से साफ कर लेना है। चॉकलेट हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए। इसे थोड़ी देर और ठंडा कर लेंगे। गरम चॉकलेट को मोल्ड में नहीं भरना चाहिए। हमारी चॉकलेट ठंडी हो गई है। अब हम इस तरह से इसे मोल्ड में भर लेंगे। हमें पूरा मोल्ड भरना है। हमें इसकी कैविटी बनानी है। इस तरह से भरकर टैप करना है। कैविटी का मतलब है हम इसे पूरा भरेंगे और फिर इसे इस तरह से एक प्लेट लेनी है। और प्लेट लेके इसे पूरा उल्टा करना है, खाली करना है हमें। इस तरह से जितनी भी चॉकलेट निकलती है उतनी निकाल लेनी है। इसे कैविटी बनाना कहते हैं। मोल्ड को स्पैचुला से साफ कर लेना है। इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने रखेंगे। ये सारी चॉकलेट हम वापस उसी में डाल देंगे। ये वेस्ट नहीं होती, इसका इस्तेमाल हम दोबारा कर सकते हैं। अगर आपकी चॉकलेट गाढ़ी हो जाती है तो वापस से आप डबल बॉइलिंग मेथड से उसे मेल्ट कर सकते हैं। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। 30 सेकेंड के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद हमारा कैरेमल देखिए कैसा है। कुछ इस तरह से होगा वो।
इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। कैरेमल को हमेशा पाइपिंग बैग में भर के काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा, क्योंकि कैरेमल थोड़ा स्टिकी होता है, हम इजीली फिनिशिंग कर सकते हैं, अच्छे से भर सकते हैं, इसीलिए इसे हमें पाइपिंग बैग में भरना चाहिए। अगर आपका कैरेमल बच जाता है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में पैक करके। इस तरह से मैंने कैरेमल को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब हम कैरेमल फील करेंगे कैविटी में। इस तरह से हमें कैरेमल की एक लेयर बनानी है। मैंने थोड़ी बड़ी कट लगा ली। इस तरह टैप कर लेंगे। अब हम इसमें वापस से चॉकलेट को फिल कर लेंगे। इस तरह से टैप कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर आती है तो उसे आप साफ कर लीजिए, मोल्ड को एकदम क्लीन कर लीजिए। इस तरह टैप करने से सारे एयर पॉकेट्स बाहर आ जाएंगे। अब हम इसे फ्रिज में 15 टू 20 मिनट्स के लिए सेट होने रखेंगे। हमारी 5-स्टार चॉकलेट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर ये
से जम चुकी होगी तो खुद ब खुद निकल जाएगी। अब देख सकते हैं इसकी शाइन। अब हम इसे, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम सीजर से कट कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। आप देख सकते हैं हमारी फाइव स्टार रेडी हो गई है। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूं। हमारी फाइव स्टार रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।